तो आप देखें ASP.NET जो है वो मैंने सुबह वालों को तो नहीं बताई है, तो बस यूँ समझ लें उनको ज़रूरी नहीं है कि समझ में आए। इसी तरह विंडोज़ फॉर्म मैंने शाम वालों को नहीं बताए, तो उनको भी ज़रूरी नहीं था जो मैंने बताया, सब समझ में आ गए। ठीक है, ये थोड़ी आज हमारी कंबाइंड क्लास हो रही है वेब और सॉफ्ट की, तो कुछ चीज़ें कॉमन हैं, कुछ चीज़ें वेब से हैं, कुछ चीज़ें सॉफ्टवेयर के अंदर। जो विंडोज़ एप्लीकेशन है वो मैंने डिटेल से बताई हुई है सॉफ्टवेयर वालों को, और जो वेब एप्लीकेशन है वो मैंने बताई हुई है वेब वालों को। तो वेब वालों को हो सकता है विंडोज़ की कुछ चीज़ें समझ में ना आए, और सॉफ्टवेयर वालों को वेब एप्लीकेशन थोड़ी सी शायद समझ में ना आए, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, अब जनाब हम यहाँ पे बना रहे हैं ASP.NET एप्लीकेशन, इसमें भी कोई ख़ास डिफरेंस नहीं आएगा, सिर्फ फ्रंट एंड डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे ये कि जनाब एक ऐड कर देंगे वेब फॉर्म, और वेब फॉर्म के अंदर जनाब मैं करूँगा ये कि वही पहले तो यहाँ पर एंटिटी मॉडल ऐड करवा लेते हैं। राइट क्लिक किया, यहाँ से गए ऐड, यहाँ से ऐड करवा दिया जनाब ऐड न्यू आइटम, और आप सेलेक्ट करेंगे ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल, नाम आप इसका कुछ भी रख लें, वही एम्प्लॉय DB रख लेते हैं, और इसको करवा दें। ये कहेगा कि भाई इसको ऐप कोड के फोल्डर में ऐड करें, यस कर दें, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। ठीक है, आप वही टेबल सेलेक्ट कर लें यहाँ पर जो भी टेबल हैं इसके अंदर, और फिनिश कर दें। ये इसने पूरा वही EDMX फाइल जनरेट कर देनी है। एग्जैक्टली वही काम है। इसमें देखेंगे एक एडवांटेज ये भी मिलता है कि अगर आपको ये एंटिटी फ्रेमवर्क या लिंक वगैरह की चीज़ें, ADO.NET जो है वो वेब और विंडोज़ और फोन एप्लीकेशन से इंडिपेंडेंट है। ये जो ADO.NET का टॉपिक है, इसका कंसर्न ये नहीं है कि फ्रंट एंड पे कोई विंडोज़ फोन की एप्लीकेशन है या विंडोज़ फॉर्म है या कोई वेब फॉर्म है। सेम क्लासेस और सेम कोड हर तरह के फ्रंट एंड के लिए .NET बेस आप यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे ये बन गया हमारे EDMX फाइल। अब आप क्या करेंगे, यूज़र से आपने क्या क्या इनपुट लेना है, आपने जनाब यहाँ पे सपोज एक बना लिया, यहाँ पे लिखा आपने डिपार्टमेंट नेम, और यहाँ पर हम जो है वो ले लेते हैं एक टेक्स्ट बॉक्स, और टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ में जाकर इसको कह देते हैं TXT डिपार्टमेंट नेम, और इसके आगे मैंने ले लिया चलें एक टूल बॉक्स से बटन, और बटन की प्रॉपर्टीज़ में जाके मैंने लिख दिया जनाब एड न्यू डिपार्टमेंट, और नीचे जो है मैंने टूल बॉक्स के अंदर से एक ग्रिड व्यू जो है वो ड्रैग करके ड्रॉप कर दी। ठीक है, अच्छा यहाँ से जाते हैं एड न्यू डिपार्टमेंट, पहले पेज लोड पे मैं लिख रहा हूँ यूजिंग वेरिएबल DB इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय DB एंटिटीज, यहाँ पे मैं क्यूरी लिख देता हूँ वेरिएबल DEPT इक्वल्स टू न्यू डिपार्टमेंट, इसमें जाना नेम इक्वल्स टू TXT डिपार्टमेंट नेम डॉट टेक्स। आप देख रहे हैं कि कोड पूरा का पूरा वही है, कोई खास डिफरेंस नहीं। यहाँ ये कि जाहिर है अब ये पता होना चाहिए कि पेज लोड क्या चीज़ है, वो पता होगा जिसने थोड़ा वेब फॉर्म को डिटेल से समझा होगा। db.departments.add dept, और फिर आप लिखेंगे db.saveChanges। ये डिपार्टमेंट ऐड थोड़ी करना था यार, पेज लोड पे तो कुछ और करना था, क्या कर रहे हैं आप लोग।
है सारे। चलें इसको कट करके हम यहाँ लिख देते हैं, और यहाँ पे हम जो है वो डेटा फेच करके ग्रिड पे दिखाएंगे। तो मैं ये लिख रहा हूँ ऑल डिपार्टमेंट इक्वल्स टू फ्रॉम डी इन डीवी डॉट डिपार्टमेंट्स सेलेक्ट डी। फिर मैं लिखूंगा जनाब ग्रिड व्यू वन डॉट डेटा सोर्स इक्वल्स टू ऑल डिपार्टमेंट और ग्रिड व्यू वन डॉट डेटा पॉइंट। यहाँ पे आप जो है वो ये कि ये वाला जो कोड है इसको कर लें आप रिफैक्टर, इसको कह लें अपडेट और अपडेट ग्रेड जो है वो आप ऐड के बाद भी कॉल कर लें। अब इसको चेक कर लेते हैं जरा। तो जनाब इस फॉर्म को हम रन करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट टेबल में अगर कुछ है तो वो हमें ग्रिड पे पहले ही नजर आ जाएगा। उसके बाद हम कोई नया ऐड करेंगे तो वो ग्रिड रिफ्रेश होगी तो वो हमें नजर भी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज मैं एक और डिपार्टमेंट का नाम इंटर कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे कह दिया जनाब अकाउंट्स और मैंने ऐड न्यू डिपार्टमेंट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, फिर आपके पास आ गया जनाब फाइनेंस, तो आप देख रहे हैं कि वो डिपार्टमेंट ऐड होते चले जा रहे हैं और ग्रिड पे नज़र आ रहे हैं। समझ में आ रही मेरी बात? देखिए ये जो एंटिटी फ्रेमवर्क है ना, ये लेटेस्ट अप्रोच है डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने की, और इसमें वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो पिछली अप्रोचेस में थी, और इसमें लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी भी यूज़ हो रही है। यानी वो जो लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी में हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किए थे अपडेट के और डिलीट के, वो सारे यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। फ़र्क क्या आ रहा है? फ़र्क सिर्फ ये आ रहा है कि वहाँ एक DBML फाइल थी, वो DBML फाइल ऐसी थी कि वो डेटाबेस से ही जनरेट हो सकती थी, उसमें एडिटिंग नहीं कर सकते आप। लेकिन ये जो EDMX फाइल है, इस EDMX फाइल में आप टेबल बना सकते हैं, टेबल में प्राइमरी की फॉरेन की बना सकते हैं, टेबल्स के दरमियान आपस में रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं, और फिर उन टेबल्स से पूरा का पूरा डेटाबेस जनरेट कर सकते हैं। यानी एक मॉडल से, ER डायग्राम से, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम से पूरा का पूरा डेटाबेस जनरेट करने का काम आप एंटिटी फ्रेमवर्क में बड़े आराम से कर सकते हैं। उससे फ़ायदा ही होता है कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन से बच जाते हैं आप। अगर आप डेटाबेस के बहुत अच्छे एक्सपर्ट नहीं हैं, आपकी जान जाती है डेटाबेस से, तो आप एंटिटी फ्रेमवर्क यूज़ करके मॉडल बना के उससे डेटाबेस जनरेट करो। ठीक है ना, सही है ना? लेकिन हर किसी को कुछ चीज़ें पसंद होती हैं, कुछ चीज़ें नापसंद होती हैं। जैसे हमें जो है वो पढ़ना बहुत पसंद है, और खेलना कूदना, फेसबुक यूज़ करना, टीवी और ड्रामे और फिल्में देखना इंतहाई सख्त नापसंद है। ऐसा ही है ना? ठीक है, वक्त ज़ाया करना तो हमें बहुत ही नापसंद है। ठीक है, और ड्रामे देख के तो एकदम से पेट में दर्द शुरू हो जाता है, क्या देख लिया है, छूटना शुरू कर दो, है ना? चलें बाहर। तो हर हो सकता है आपकी डेटाबेस की एक्सपर्टीज ना, और अगर हैं भी तो आप ये कर सकते हैं कि डेटाबेस बना के उससे मॉडल जनरेट कर लें, एंड रिजल्ट सेम है,
पहले मॉडल बनाए डेटाबेस जनरेट कर लें, या पहले डेटाबेस बना के उससे मॉडल जनरेट कर लें? आपके पास पहले से डेटाबेस बना हुआ था, उससे मॉडल जनरेट कर लें, बाकी सारा काम इसने खुद हैंडल करना है। हमें सिर्फ फ्रंट एंड पे थोड़ा बहुत कोड तो लिखना पड़ेगा ना कि किस टेबल में डालना है, कौन कौन सी फील्ड डालनी है, एटलीस्ट ये तो लिखना पड़ेगा, इससे कम कोड नहीं हो सकता। कनेक्शन स्ट्रिंग और कनेक्शन ओपन, ये सारे मसले मसाइल यहाँ क्या हो गए, ख़त्म। बैकएंड वही चल रहा होगा, मैंने कहा ना कि देखें वो क्या रहा है कि आप